नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे डीएलएड परीक्षा समय सारिणी 2020। तो दोस्तों आज तारीख हो चुकी है 7 मार्च 2020 के, हम बड़ी अपडेट्स देखने वाले हैं। और सबसे पहले बात करेंगे टुडे ब्रेकिंग न्यूज। जी हाँ दोस्तों, आज की बड़ी अपडेट्स क्या आ रही है उसको देखेंगे। और अंतिम समय में अफवाहों से रहे सावधान। जी हाँ दोस्तों, आपका पेपर की तारीख नजदीक आ रही है। तो अंतिम समय में दोस्तों होता क्या है कि काफी अलग अलग तरह की खबरें आने लगती है, जिससे कि दोस्तों आपका परीक्षा में या तैयारियों में दोस्तों ध्यान नहीं लग पाता, ठीक है ना। तो दोस्तों कल की जो ऑफिशियल तारीख का ऐलान हुआ है, जिसको दोस्तों हम बोले नई परीक्षा की तारीख, उसको दोस्तों देखेंगे कब से आपके पेपर हो रहे हैं। देखिए अभी तक काफी कंफ्यूजन में था दोस्तों, जो डीएलएड प्रथम सेमेस्टर का पेपर कब से होगा और थर्ड वाला, ठीक है ना। उसके बाद वही हम देखेंगे प्रथम सेमेस्टर परीक्षा की तारीख और तृतीय सेमेस्टर वाला। और दोस्तों इस समय का जो सबसे बड़ा सवाल और सबसे ज्यादा बच्चों का सवाल आ रहा है यूपी से, परीक्षा फॉर्म के कितने पैसे देने मत दो एक्स्ट्रा पैसे। जी हाँ दोस्तों, कितने रुपए का आपका परीक्षा फॉर्म है उसको देखते हैं। और डीएलएड स्क्रूटनी का रिजल्ट दोस्तों अगर आपको देखना है तो उसका लिंक हमने कमेंट बॉक्स में नीचे दे दिया है। उस लिंक को ओपन करके दोस्तों आप लोग अपना रिजल्ट चेक कर लीजिए कि आपके कितने नंबर बढ़े हैं या आपका रिजल्ट नो चेंज रहा। सबसे पहले दोस्तों ये देखिए, आपका कुछ विज्ञप्ति जारी किया गया था, जो आपका परीक्षा के फॉर्म को जो पैसे दोस्तों लग रहे हैं उसको हम आपको यहाँ पर क्लियर करते हैं। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर देखिए साफ साफ लिखा है कि समस्त संस्थानों द्वारा परीक्षा शुल्क सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी उत्तर प्रदेश इलाहाबाद के खाता संख्या दोस्तों ये दिया गया है, ठीक है ना। आईएफएससी कोड दोस्तों यहाँ के ये दिया गया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, जो भी दोस्तों ये सब दिया गया, एड्रेस पर जमा कराया जाएगा, ठीक है दोस्तों। जो परीक्षा का शुल्क है वो 400 रुपए मात्र। जी हाँ दोस्तों, साफ साफ लिखा है अंकों में, शब्दों में साफ साफ लिखा है यहाँ कितना रुपए आपका है दोस्तों, 400 रुपए मात्र, ठीक है ना। 400 हम भी लिख देते हैं कि आप लोग को कंफ्यूजन ना रहे कि आपको जो परीक्षा का शुल्क जमा हो रहा है वो 400 रुपए है। तो ये दोस्तों आपको 400 रुपये परीक्षा के लिए शुल्क देना है। अब दोस्तों आपके सवाल आ रहे थे हमारे पास कि हमारे कॉलेज में 2000 रुपये लिया जा रहा है। अब कोई छात्र दोस्तों बोला हमारे कॉलेज में 3500 रुपये लिया जा रहा है। अब कोई छात्र बोला हमारे कॉलेज में 4000 रुपये लिया जा रहा है। अब कोई छात्र बोले हमारे कॉलेज में 1000 रुपये लिया जा रहा है, ठीक है ना। तो मतलब दोस्तों हर कॉलेज में अपने मन से जो भी मन कर रहा है ले रहे हैं, लूट रहे हैं, ठीक है। अगर दोस्तों प्राइवेट संस्थान वाले इतने ही सही होते हैं तो या तो सभी लोग 1000 रुपये ले लेते हैं, या सभी लोग 2000 लेते हैं, या तो सभी 3500 देते हैं, या तो 4000 लेते हैं। तो सिंपल सी बात है दोस्तों, जिसका जितना भी मन कर रहा है, जो भी बोल रहे हैं, वो पैसे लूटे जा रहे हैं बच्चों से। तो इसको आपको ध्यान में रखना है। जो आपका देखिए जो आपका पैसा लगना चाहिए वो 400 रुपये लगना चाहिए, हम आपको पहले क्लियर कर दे रहे हैं। और आपको इसके बाद आगे खुद डील करना है कि आपके कॉलेज में आपसे कितने पैसे लिए जा रहे हैं। हम आप तक सही खबरें पहुंचाते हैं, तो पहले हम सोचे कि आप तक ये खबर पहुंचा दी जाए कि जो आपका पैसा लग रहा है परीक्षा फॉर्म का शुल्क है वो 400 रुपये देना है, ठीक है ना। तो आपको परीक्षा फॉर्म के कितने पैसे देने हैं, 400 रुपये मत दीजिए एक भी एक्स्ट्रा पैसे दोस्तों, कोई फायदा नहीं है। अगर आपके प्रैक्टिकल, जी हाँ दोस्तों, अगर आपसे प्रैक्टिकल फीस के नाम पर पैसे मांगे जाते हैं तो ठीक है कि आप प्रैक्टिकल फीस के लिए पैसे दे रहे हैं। लेकिन दोस्तों अगर आपसे कहें एग्जामिनेशन फॉर्म, उससे आपको फायदा क्या होगा। प्रैक्टिकल में दोस्तों आपके कॉलेज के हाथ में 425 नंबर होते हैं, 100 नंबर आप टीचिंग के लाते हैं, तो मतलब दोस्तों टोटल जोड़ जाड़ के 515 से 520 नंबर आपके बनते हैं, ठीक है ना। ये इंटरनल प्रैक्टिकल की बात करें, सब कुछ जोड़ जाड़ के तो ठीक है यार। प्रैक्टिकल में अगर आपसे 2000 रुपये लिया जा रहा है, 500 रुपये लिया जा रहा है, 3000 ले रहे हैं, वो तो ठीक है। लेकिन अगर आपसे हम कहें कि हम एग्जामिनेशन फॉर्म के पैसे ले रहे हैं, उससे आपको क्या फायदा होगा ये बताइए, सोचिए जरा, आप लोग खुद ही सोचिएगा। तो आपके एक दो सवाल नहीं आ रहे थे, काफी सवाल आए, इसलिए दोस्तों हमने एक स्पेशली सोचा वीडियो भी बना देते हैं परीक्षा फॉर्म के आपको पैसे कितने देने हैं, 400 रुपये है। उसके बाद दोस्तों ये हम आप पर छोड़ते हैं कि आप कितने रुपए में अपनी डील करते हैं। जो समझदार छात्र होंगे वो 400 रुपये में अपनी बात मनवा ले जाएंगे। और दोस्तों होता है क्या है ना कि काफी छात्रों को होता है क्या है कि घर से पैसे लेने होते हैं कि हाँ भाई मांग लेते हैं, ठीक है ना, कि मम्मी पापा या जो भी डाडा डाडी करते हैं, तो पैसे दोस्तों लेके खाली देना होता है कॉलेज में, ठीक है, तो दे देते हैं। तो बस वही आप सोचिएगा कि आपको कितना सही लगता है, कितना रुपए देना चाहिए। ये दोस्तों आप पर हम छोड़ते हैं, फिलहाल अपने कॉलेज से आप बात कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों हर कॉलेज से हम अलग अलग बातें सुनने को मिली, इसलिए दोस्तों हमने इस वीडियो को स्पेशली बनाया। अब अगर हर प्राइवेट कॉलेज वाले दोस्तों या तो 1000 रुपये लेते तो भी ठीक रहता, हर प्राइवेट कॉलेज वाले 2000 लेते तो भी ठीक रहता, 3500 लेते तो भी ठीक रहता, 4000 लेते तो भी ठीक रहता, मतलब सभी कॉलेज वाले अलग क्यों ले रहे हैं, एक सवाल यहाँ खड़ा होता। उसके बाद दोस्तों आपको बता दें, जो डायट कॉलेजेस होंगे, जो सरकारी कॉलेज होते हैं आपके जिले में, वहां पर आप जाएंगे तो दोस्तों पता करेंगे तो आपके जो वहाँ के बच्चे होंगे वो बताएंगे हमारे कॉलेज में 400 रुपये लिया जा रहा है, ठीक है। देखिए यही होता है दोस्तों रियलिटी, 400 रुपये का जो फॉर्म है आपसे, कहीं 400 रुपये, कहीं 4000 रुपये, कहीं 2500 रुपये, 2000 रुपये, जो भी मन कर रहा है दोस्तों आपसे लूटा जा रहा है। तो आपको समझदारी दिखानी है, हमने सोचा एक वीडियो बना देंगे, तो आप इस वीडियो को पहले अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, ताकि दोस्तों उनके साथ भी ऐसा कुछ भी गड़बड़ घोटाला ना होने पाए, कि उनको ज्यादा पैसे ना देने पड़े,
नहीं वो तो दोस्तों बाद में क्या होता है कि यार पता चलता है कि आपके दो ही दोस्त होते, कभी कभी आपको बता दे एक ही कॉलेज की बात बता रहे, काफी छात्रों के ये भी हमारे पास आए कि सर ऐसा कैसे हो सकता है कि मतलब दो दोस्त थे, मतलब एक ही दोस्त है, दोस्तों 2,000 पे ले लिया जाता है, एक दोस्त 3,000 पे ले लिया जाता है। वही होता है ना कि टीचर समझा देते हैं कि बेटा तुमसे हम 2,000 लिए, किसी को बताना मत, तो वो छात्र भाई अपनी बात को अंदर ही राज का राज बना लेते हैं। तो ऐसा ऐसा होता है, तो ये सच्चाई अपने दोस्तों को बताइए कि हाँ इतने में हो रहा है, तो किसी भी अपने दोस्त को कम से कम एक भी एक्स्ट्रा पैसे देने से बचाइए। वही पैसे दोस्तों आपके बचेंगे तो आप उससे पार्टी कर सकते हैं, एंजॉय करिए, पढ़ाई करिए, होली का समय दोस्तों उसको सेलिब्रेट कर सकते हैं, लेकिन आप वही बे मतलब के पैसे कॉलेज में क्यों खर्च कर रहे हैं। 41,000 आपने पहले फीस तो भरी दी होगी ना, 41,000 आपने आप वहां दे रखा, उसके बाद दोस्तों आपसे टीचिंग के नाम पर लूटा गया 1,000 रुपये, काफी कॉलेजेस में कहीं 500 रुपए, कहीं 2,000 रुपए। उसके बाद दोस्तों अभी आपका प्रैक्टिकल बचा ही है, वहीं पर भी आपसे पैसे लिए जाएंगे। उसके बाद दोस्तों ये पैसा मतलब पैसा पैसा पैसा, ठीक है ना। तो काफी छात्रों के सवाल आ रहे थे, तो इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करिएगा। आप परीक्षा की तारीख हम आपको पहले दिखा देते हैं, और देखिए जो आपका स्कूटी का रिजल्ट जारी हुआ दोस्तों, देखिए काफी छात्रों का में फेल आ रहा है, नो चेंज आया। एक बात आपको बता दें, जो छात्रों की बैक लग रही, कौन कौन से विषय में लगी थी, ये सेकंड सेमेस्टर का था दोस्तों। देखिए डी आपका लिख के आ रहा है, एक अंग्रेजी में बैक आई छात्रों की। उसके बाद दोस्तों आप एक विषय आपका आया सामाजिक अध्ययन में बैक लग जाती है, और एक गणित में। देखिए दोस्तों यहाँ पर सिर्फ गणित में बैक लगती तो हम मानते चलो ठीक है, गणित में बैक लग सकती है, इंग्लिश में बैक लग सकती है, लेकिन सामाजिक अध्ययन में बैक लगने से दोस्तों इनका सेमेस्टर बैक हो गया। अगर आपका किसी भी सेमेस्टर में दो विषय में बैक लगता है तो दोस्तों चलिए ठीक है, मान्य होता है। अगर दो से आप जहाँ 3 में लगाए तो दोस्तों आपको वही सेमेस्टर दोबारा से पढ़ना पड़ेगा। इन्होंने स्कूटनी दोस्तों भरा होगा कि सोचा होगा कि शायद एक विषय में किसी में भी नंबर बढ़ जाए तो ये पास हो सकते थे, लेकिन अब क्या होगा, कुछ नहीं हो पाएगा। दोस्तों एक बात और आपको बताना चाहेंगे कि जब भी आप स्कूटनी का फॉर्म भरते हैं दोस्तों, उसमें एक ही चीज देखी जाती है कि जो वहां नंबर जोड़े जाते हैं, जैसे इनके 22 नंबर एक में आ रहे हैं, ठीक है ना। तो दोस्तों दो दो नंबर, एक एक नंबर, दो दो नंबर दिया होता है, उसको जोड़ा जाता है कि कहीं गलती से 22 नंबर है कि कहीं 23 नंबर तो नहीं बनने हैं। कॉपी को मतलब दोस्तों ऐसा नहीं होता कि अगर आपको किसी प्रश्न में आपको एक नंबर दिया गया तो उसमें बढ़ाकर 2 नंबर कर दिया जाए, ये उनके पास अधिकार नहीं होता। या तो दोस्तों वो उन प्रश्नों को चेक कर सकते हैं जिन पर हो सकता है कि एग्जामिनर ने जो पहले चेक किया हो गलती से उनसे छूट गया हो। कभी कभी दोस्तों होता है ना, छात्र बिल्कुल एक के नीचे एक सीरियल से उत्तर लिखते रहते हैं तो छूट जाता है, उस कंडीशन में दोस्तों हो सकता है कि आपके नंबर बढ़ सकते हैं, या दोस्तों नंबर जोड़ने में कहीं गलती होती तो बढ़ते हैं। तो अब जितने छात्रों के सेमेस्टर बैक है तो उनके लिए दोस्तों यहाँ थोड़ी सी बुरी खबर होगी, उनको दोबारा से अपना सेमेस्टर देना पड़ेगा, ठीक है। जो छात्र आगे बढ़ चुके हैं तो उनके लिए बधाई हो, कॉन्ग्रेचुलेशन, जो छात्र पास हुए हैं। हाँ देखिए जो परीक्षा की तारीख है, हम क्या कह रहे थे दोस्तों, जो आपके डीएलएड प्रथम सेमेस्टर, जी हाँ दोस्तों आप यहाँ देख रहे होंगे साफ साफ लिखा है डीएलएड 2019 प्रथम सेमेस्टर, परीक्षा वर्ष 2020। तो प्रथम सेमेस्टर में दोस्तों आपका कौन कौन से मतलब विषय होने वाले, 23 तारीख को जो आपका पेपर होगा, 23 मार्च को सुबह 10 बजे से शुरू होगा। पहला बाल विकास होगा, दूसरा शिक्षण अधिगम के सिद्धांत पे, 24 मार्च को जो पेपर होगा विज्ञान गणित सामाजिक अध्ययन होने वाला, और 25 मार्च को जो पेपर होगा वो हिंदी संस्कृत उर्दू और कंप्यूटर होगा। उसके बाद दोस्तों जो आपका डीएलएड 2018 तृतीय सेमेस्टर परीक्षा वर्ष है, पहला पेपर आपका 26 मार्च को शुरू होगा, शैक्षिक मूल्यांकन एवं क्रियात्मक शोध एवं नवाचार और समावेशी शिक्षा होने वाला है। 27 तारीख को जो पेपर होगा विज्ञान गणित सामाजिक अध्ययन होगा, 28 मार्च को जो पेपर होगा हिंदी संस्कृत उर्दू और कंप्यूटर का पेपर होगा, ठीक है ना। इसके अलावा दोस्तों आपको इस समय कोई भी स्कीम मिले तो पहली बात वो फर्जी होगी, और हमने कमेंट बॉक्स में इसका पूरा लिंक दे रखा है, उस लिंक के माध्यम से दोस्तों आप एक बार जाइए अपनी स्कीम को अच्छे से चेक कर लीजिए, मिला लीजिए, कहीं आपसे कोई गलती तो नहीं हो रही। देखिए होता है क्या है ना दोस्तों कि काफी छात्र वायरल मैसेजेस दोस्त इधर उधर से आते हैं कि भाई परीक्षा कैंसिल हो गई, कोरोना का इस समय कहर भी चल रहा है, आपको पता है ना कोरोना वायरस, तो कोरोना से भी बचना है। तो ऐसा कुछ दोस्तों जब भी पेपर कैंसिल वैंसिल या कुछ भी अपडेट्स आएंगे तो हम आपको अपडेट करके बताएंगे। फिलहाल अभी दोस्तों कोरोना जो आया है, कोरोना वायरस, वो इधर कंट्रोल में है थोड़ा, ठीक है ना। तो यूपी में भी डरने की जरूरत नहीं, लेकिन होली का समय आ रहा है तो होली में आपको एक बात का ध्यान रखना होगा कि नए लोगों से नहीं मिलना है। होली में दोस्तों कोरोना फैलने का खतरा बढ़ जाता है, तो आपको थोड़ा सा सावधान भी रहना पड़ेगा, होली का समय है, कोरोना से बच के रहिए। और दोस्तों जो भी अपडेट्स आएंगे हम आपको अपडेट्स भी देते रहेंगे, तो कोरोना वायरस थोड़ा खतरनाक हो सकता है आप सभी छात्रों के लिए, तो अभी आपकी सेफ्टी जरूरी है, आपको बच के रहना, इसके बाद आपका पेपर भी आने वाला है तो सारी सावधानी आपको बरतनी है। और दोस्तों जो डीएलएड स्क्रूटनी का रिजल्ट आएगा उसकी सारी अपडेट्स हम आपको दे देंगे, ठीक है ना। तो वैसे अपडेट्स तो दोस्तों सारी आ चुकी है, इसका लिंक हमने कमेंट बॉक्स में दिया है, जो भी दोस्तों अगर अभी तक आपने रिजल्ट ना चेक किया हो तो सारी अपडेट्स आप वहां से प्राप्त कर सकते हैं, जो कमेंट बॉक्स में लिंक है वहां पर लेटेस्ट अपडेट्स आती रहेंगी। तो फिलहाल अभी जाइए आप लोग अपना रिजल्ट वहां पर चेक कर लीजिए, ठीक है ना। और दोस्तों जो एक्स्ट्रा पैसे लिए जा रहे हैं कॉलेज में, तो ये थोड़ी सी बात बता दीजिएगा अपने दोस्तों तक, शेयर जरूर करिएगा कि हाँ पैसे ज्यादा आपको नहीं देना है, थोड़ा बहुत दोस्तों ज्यादा ले तो चलता है, लेकिन अब वही दोस्तों 400 का फॉर्म अगर आप 4,000 में दे रहे हैं तो ये तो गलत बात होगी, इससे आपको कोई फायदा नहीं होगा प्रैक्टिकल में, क्योंकि प्रैक्टिकल की फीस आपसे अलग से वसूली जाएगी, तो जब प्रैक्टिकल का पैसा अलग से आपको देना ही है
तो अभी क्यों पैसा ज्यादा दे, ठीक है ना। अगर ये पैसे दोस्तों देकर प्रैक्टिकल के पैसे ना लिए जाए तो ठीक है, चलो ठीक है यार, प्रैक्टिकल का पैसे नहीं देने, यहाँ दे दिया, बात खत्म। तो ये सारी दोस्तों अपडेट्स हैं। तो चलिए ठीक है दोस्तों, अधिक अपडेट्स के लिए आप लोग हमारे साथ बने रहिए, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड। तो दोस्तों आज की अपडेट्स ये रही, पढ़ाई की तैयारी दोस्तों जो है ना आप लोग उसको अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, कोई एक मार्केट से सीरीज खरीद लीजिए, समय कम है, 2-3 दिन में दोस्तों वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना। टेंशन नहीं लेना, पेपर आसान आता है, बैक से बचना है, फिर मिलते हैं, स्टे कनेक्टेड।